सो हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेने के चार चार तरीके। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि अगर मैं कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसके टेक्निकल में। सो गाइस, स्क्रीनशॉट लेने का जो पहला तरीका है वो है प्रिंट स्क्रीनशॉट। तो इसके लिए आपके अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीनशॉट की को आपको एक बार प्रेस कर देना है, जो कि मोस्टली F12 बटन के साइड में ही होता है। तो जो आपकी स्क्रीन का जो स्क्रीनशॉट है वो कैप्चर हो जाएगा। और उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर में MS Paint को ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो और बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है MS Paint। MS Paint को लिखने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद जो आपका MS Paint है वो ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, ओपन होने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस V बटन को प्रेस करना है इसको पेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्रॉप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऊपर। आपको इस क्रॉप के ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसे सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस S बटन को प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दे दीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेव का ऑप्शन है। आपको इस सेव के ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है तो ये जो आपका इमेज है वो सेव हो जाएगा। दोस्तों, स्क्रीनशॉट तो आपको जिस भी चीज का स्क्रीनशॉट लेना है आपको उसको एक बार ओपन कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने टाइपिंग मास्टर को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से विंडो शिफ्ट प्लस S बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको जिस भी एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है आपको यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको MS Paint को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से हम MS Paint को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कोने में एक पेस्ट का ऑप्शन है। तो आपको इस पेस्ट के ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो आपका स्क्रीनशॉट एरिया होगा, जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा, वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉप का ऑप्शन है। आपको इस क्रॉप के ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है और इसे सेव करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल S बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दे देना है और यहाँ से सेव कर लेना है। दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेने का जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट प्लस स्क्रीनशॉट। तो आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस स्क्रीनशॉट बटन को प्रेस करना है और उसके बाद MS Paint को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कोने में एक पेस्ट का ऑप्शन है। आपको इस पेस्ट के ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस V बटन को प्रेस करके इसे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉप का ऑप्शन है। उसके बाद आपको यहाँ से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आप यहाँ से कंट्रोल S बटन को प्रेस करके सेव कर सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट और लास्ट शॉर्टकट की है स्क्रीनशॉट लेने की वो है विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीनशॉट। तो आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीनशॉट बटन को प्रेस करना है। उसके बाद आपको अपने MS Paint को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्रॉप कर लीजिए और उसके बाद कंट्रोल प्लस S बटन को प्रेस करके आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए मेहमान आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि अगर मैं कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें SK Technical के साथ।